खान पान की प्रक्रिया किस प्रकार से रहती थी और किन किन विचारों के साथ वो पनप रही थी, है ना। और फिर उसके साथ साथ हमने देखा कि वो जब वो कार्य कर रही थी तो अध्यापन कार्य उन्होंने किस जगह पर किया, यह भी हमने देखा। अब हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि साहित्य सृजन की प्रक्रिया उनकी कैसे रही, मतलब उनकी जो शुरुआत है तो उनकी शुरुआत से ही लेकर हम लोग उनकी पूरा दस्तावेज हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने साहित्य सृजन की प्रक्रिया को बताया है। तो आप लोगों को कल की तासिका से पता चल ही गया होगा कि कृष्णा जी जो है वह एक स्वतंत्र विचारों को अपने आप में रखने का प्रयास करती है और खास तौर पर वह अपने विचारों के साथ, अपने साहित्य के साथ या अपने जिंदगी के साथ किसी और का हस्तक्षेप करना या किसी को एंटरटेन करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब तय है कि जहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता की बातें चलती है, देश विभाजन की बातें चलती है, ठीक उसी जगह पर यहाँ कृष्णा जी का जो व्यक्तित्व दिखाई देता है वो भी पूरी तरीके से स्वतंत्र विचारों के साथ पनपने वाला उनका व्यक्तित्व हमारे साथ है। साथ ही में हम लोग देखते हैं कि जो साहित्य सृजन की प्रक्रिया है तो कृष्णा जी हमेशा अपने आप में ही मग्न रहती है, वह दूसरों की निगाहों से अपने को देखने का प्रयास करती है और लेखन के बारे में भी वो खुद अंतर्मुख होकर सोचती है और वो पाती है। तो लिखना तो मुझे मूल्यों के लिए है, मतलब जो मूल्य होते हैं, तो मूल्य केवल दावेदारों के लिए नहीं होते। उनका मानना यह भी है कि हर सच्चा लेखक अपने चाहने से लेखक बनता है, किसी के कहने से नहीं। कल की तासिका में हमने ये भी सारी चीजें आपको बताई थी कि जब हम कुछ भी लिखते हैं, किसी भी प्रकार का साहित्य लेकर लिखने का हमारा प्रयास होता है तो हम किसी के कहने से अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकते, बल्कि यह परिवर्तन होना इसलिए भी संभव होता है क्योंकि हम लोग अपने लिए लिखते हैं, है ना, अपने चाहने से लिखते हैं। तो कृष्णा सुक्ति जी का भी कहना यही है कि साहित्य और कला के क्षेत्र में श्लील और अश्लील के प्रश्नों को उठाना मुनासिब नहीं है। कई ऐसा साहित्य उनके जरिए लिखा गया जिन पर कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन उनका ऑब्जेक्शन पर या उनके फैसलों पर उन्होंने कोई भी बात नहीं कही, बल्कि उनका करारा जवाब उन्होंने दे दिया, या हम यूं कहें कि तथाकथित नैतिकता और उसकी जो उम्मीदें हैं, आस्थाएं हैं, उनकी जो चौकटों के बाहर की उनकी इंसान की जिंदगी है और इसी के साथ उनका बड़ा फैसला पड़ जाता है। इसी की उम्मीदें, आस्थाएं और कमजोरियां, प्यार और आर्थिक संघर्ष, इन सब को किसी न किसी एक के नाम पर छांट देना ही, उन्हें किसी दायरे से बाहर कर देना या उन पर फैसले देना मुनासिब नहीं समझते। साहित्य और कानून की निगाह एक नहीं हो सकती। देखिएगा कि यहाँ इस जगह पर कृष्णा जी ने कौन सी बात बताई है कि साहित्य और कानून दो अलग अलग चीजें हैं, तो साहित्य और कानून जो है यह एक ही निगाह से नहीं देख सकते हैं। साहित्य जीवन का दर्पण है, जिंदगी की बंदिश नहीं। साहित्य सत्य को अपने में संजोता है और उसे खुलेपन में पनपने देता है। यहाँ तक हम लोग कल की तासिका में आए थे। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं कि उनकी दृष्टि से साहित्य क्या है, इनकी कृष्णा सोबती की जिंदगी में। यहाँ तक समझ में आया है आप लोगों को? किसी को कोई सवाल तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं ना हम लोग? ओके। उनकी दृष्टि से साहित्य जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहलाता है और उस साहित्य में जीवन की केवल अच्छाई या बुराइयां नहीं होनी चाहिए। उसमें जीवन की करुणा को, घुटन को, पीड़ा को, व्यथा को भी चित्रित करके उस सभी चीजों से हमें बनाना चाहिए और उसमें दुख के साथ साथ जीवन के सुनहले पल अर्थात सुख के क्षणों का एहसास भी हमें अपने साहित्य में होना चाहिए। साहित्य लेखन की यदि बात करते हैं तो कृष्णा जी का स्वयं का जो विचार है तो वह क्या कहते हैं देखिएगा। वह कहते हैं कि दोस्तों, हर लेखक अपने लिए लेखक है, अपने किए के लिए लेखक है, वह अपने चाहने से लेखक है। अगर वह संघर्ष में जूझता है, परिस्थितियों से टक्कर लेता है तो उसका एहसान किसी दूसरों पर नहीं होता, सिर्फ उसकी अपनी कलम पर है। हमने देखा दोस्तों अब तक कि प्रेमचंद जी के साहित्य को यदि हम लोग टटोलते हैं, यदि हम प्रेमचंद जी के निर्मला इस उपन्यास को देखते हैं तो किस प्रकार से संघर्ष में जूझती है वह निर्मला। यदि हम फिल्मों की बात करते हैं तो जिस प्रकार से मणिकर्णिका एक फिल्म है जो एक नायिका के आधार पर बनाई गई फिल्म है ना, और जो संघर्ष से जूझना चाहती है, परिस्थिति से टक्कर लेना चाहती है और इसका एहसान किसी दूसरे पर नहीं लेना चाहती, बस
मणिकर्णिका को यदि हम कृष्णा सोबती के साथ भी रख देते हैं तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई एतराज होगा। तो कोई भी जो अच्छी कलम होती है वो अपने मूल्यों के लिए लिखी जाती है, मूल्यों के दावेदारों के लिए नहीं लिखी जाती। और अगर ऐसा नहीं है तो वो जो लेखक है या जो कलाकार है वो तो शामियानों या विज्ञान दोनों की शोभा बनकर रह जाएंगे। हमने आपको बताया था, उस समय में भी बताया कि प्रेमचंद जी का जो साहित्य है वह प्रेमचंद जी का साहित्य आह का साहित्य है, उनमें आह निकल कर बाहर आती है, वाह का साहित्य उनका नहीं। ठीक उसी प्रकार से हर कोई जो साहित्यकार होता है वह साहित्यकार संघर्ष के साथ संतरास के साथ अपनी लेखनी के जरिए उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। वो यूं नहीं चाहता कि हमारा जो साहित्य कोई बड़े आलिशान कमरे में बैठकर या ऐसे के कमरे में बैठकर ही लिखा जाए, उसे लिखने के लिए समाज में जाना पड़ता है। और अब मतलब जो युवा लेखक की बात चलती है तो आज के युवा लेखकों को वह आत्मविश्वास से लिखने की प्रेरणा देती है। मतलब कृष्णा सोबती की जी की यदि बात की जाए तो वह जिन संघर्षों के साथ आगे बढ़ रही है, जो मणिकर्णिका की यदि बात चली जाए तो जिस प्रकार से उन लेखकों ने लिखा, झांसी की रानी बनी, तो उस समय भी शायद यह आत्मविश्वास उन्हीं में था, है ना। भले ही उनकी जो पिता है माता है उन्होंने उनमें आत्मविश्वास भरने की कोशिश की, लेकिन यह जो आत्मविश्वास मणिकर्णिका में उस समय में दिखाई देता वह तो अपना खुद का है, सेल्फ डिपेंड होकर कार्य करती है। इतना ही नहीं, तो जब वह महारानी बनकर किसी झांसी में चली जाती तो झांसी की रानी का उत्तरदायित्व तो उसे निभाना पड़ता है। अपने राजा की मृत्यु के पश्चात सब लोग उसे कहते हैं कि अब तो उसे विधवा का जीवन अपनाना चाहिए, लेकिन नहीं, उनका आत्मविश्वास जीवित था। देखिएगा, यहाँ एक जगह पर यदि हम उपन्यासों को देखते हैं और फिल्मों को देखते हैं तो दोनों का परिचायक समझना और समझाना हम दोनों का भी परम कर्तव्य बन जाएगा, क्योंकि लिखने वाला भी एक लेखक है और प्रोड्यूस करने वाला जो है उस लेखक की मनोकामनाओं को पूरा करता है। जिस प्रकार से झांसी की रानी की आत्मविश्वासात्मक प्रेरणा को उन्होंने पूरे झांसी के सामने बता दिया, ठीक उसी प्रकार कृष्णा सोबती ने आज के युवा लेखकों को वह आत्मविश्वास दिया, ताकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो उस आत्मविश्वास से लिखने की प्रेरणा हम लोगों को मिल जाए। और वह स्वयं सत्यनिष्ठ है, कृष्णा जी जो है वह स्वयं सत्यनिष्ठ है, कारण वह जानती है कि सत्य को दुर्लभ होता है, बड़ी भीड़ में भी वह हमारे सामने ही आता है और उनकी लेखन को वह आवाज दे देता है। कृष्णा सूक्ति का लेखन एक खास और नए किस्म के त्योरों से गढ़ा है और सवारा गया है। हम उनके यदि समग्र साहित्य की बात करें तो उनमें बौद्धिकता की गहराई का पता चलता है। उनकी हर एक कहानी, उनका हर एक उपन्यास के जरिए हमें सत्य के अंश का साक्षात्कार होता है, मतलब सत्यान्वेषी। तो वह चाहती है कि उसके सहारे एक सहृदय व्यक्ति अपनी चेतना को, अपनी संवेदना को, अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता को बड़ी भली भांति पहचान ले। कृष्णा जी ने कहानी को उपन्यास से साथ साथ चिंतन परख लेना भी जो उनके साहित्य लेखन की जो प्रेरणा है वह कहानी लिखी, उपन्यास लिखा, चिंतन परख लेख भी उनमें पाए जाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों कि कृष्णा सोबती जो है वह अपने गुणवत्ता में किस प्रकार से विश्वास रखती है। हमने आपको बता दिया स्वतंत्र विचारों के साथ पनपने वाले, जिस प्रकार से मणिकर्णिका फिल्म में वह आत्मविश्वास को अपनाती है, ठीक वही आत्मविश्वास हमें कृष्णा सोबती के उपन्यासों में, उनके कहानी में, उनके व्यक्तित्व में पाए जाते हैं। अब हम लोग आपको बताएंगे कि लेखन की गुणवत्ता में विश्वास उसका किस प्रकार से है। तो कृष्णा सोबती हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट रचनाओं के द्वारा ही प्रसिद्ध है। कम लिखा उन्होंने, है ना, हमने आपको कल भी बताया था कि उन्होंने बहुत कम लिखा, जिस प्रकार से बिहारी ने बहुत कम लिखा, सतसैया के दौरे जो नावक के तीर देखन में चोटे लगे घाव करे गंभीर, पूरा घाव गंभीर कर दिया बिहारी ने अपने युग में। ठीक उसी प्रकार जब कृष्णा सोबती के लेखन की बात हम करते हैं तो बहुत कम लिखने के पश्चात भी वो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए। साहित्यिक रचना को उन्होंने गौरवपूर्ण कार्य बना दिया और उनकी हर रचना जो है उन्होंने बहुत दीर्घ साधना की, और उसी दीर्घ साधना का परिणाम आज हम लोगों के सम्मुख आ गया कि अनेकानेक प्रकार का जो रचना संसार उनका है उसे हम लोग देख सकते हैं। और इसी कारण उनका कम लिखना वास्तव में विशिष्ट लिखना है। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा बुद्धिजीवी व्यक्तित्व जो है या स्पष्टवादिता का भी उन्होंने परिचय दे दिया। क्या
केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि रचनाओं में भी उन्होंने किसी दूसरे का हस्तक्षेप उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब सहनी नहीं कर पाती थी। जिस प्रकार से यदि हम मणिकर्णिका की बात करते हैं तो मणिकर्णिका में जो राजमाता थी तो राजमाता ने कहलवा दिया कि अब तुम इस प्रकार का वस्त्र परिधान नहीं करती, तुम्हें अपने बालों को परित्यज्य करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने जिंदगी में दूसरों किसी का हस्तक्षेप उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वो फिर राजमाता उसे कहती है, क्या कहती है राजमाता कि फिर हमें तो यात्रा के लिए जाना पड़ेगा यदि आपका बर्ताव ऐसा रहा। तो तुरंत जो हमारी मणिकर्णिका है वो दासियों के द्वारा क्या कहलवा देती है कि चलो राजमाता का सुरक्षित यात्रा का प्रबंध किया जाए। मतलब तय है कि जिस प्रकार से उस युग में दूसरों का हस्तक्षेप करना उन्हें पसंद नहीं था, तो आज मुझे याद आ रहा है कि मणिकर्णिका के जैसे ही हमारी कृष्णा सोचती है, मतलब उन्हें उनकी जिंदगी में ही नहीं बल्कि उनकी रचनाओं में भी जब कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो दूसरों का हस्तक्षेप उन्हें करना बिल्कुल पसंद नहीं रहता। तो उनके स्वभाव की इस विशिष्टता ने जीवन और साहित्य में उन्हें अपना अलग रास्ता तय करने के लिए सक्षम बना दिया। अब देखिएगा कि जब भी प्रकार से स्वतंत्रता की बात चलती है और दूसरे रूप में वह स्वतंत्र विचारों को अपनाती है, तो हम यो कहेंगे कि यहाँ इस जगह पर एक स्वतंत्री स्वतंत्रता की समर्थक हमारी कृष्णा जी रही, और कृष्णा जी ने यहाँ नारी की पराधीन जिंदगी को करीब से देखा। देखा ही नहीं है बल्कि उसे फील किया, अनुभव किया, और उन्होंने यह पाया कि भारतीय जो नारी है वह नारी बंधनों से जकड़ी हुई है। कई बंधनों के साथ वह जकड़ी रहती है और उसे बंधन से मुक्त करना ही युग की मांग कहलाएगी। कृष्णा जी अपने साहित्य के जरिए नारी जीवन को व्याख्यायित करते हुए भी उसके स्वतंत्रता की हिमायत करती है। कृष्णा मतलब देखिएगा कि जब मीरा नाची रहे, मीरा जब नाचती है तो दूसरों को अच्छा लगता है। हाँ यदि हम यू कहे कि हमें किसी गैदरिंग में हिस्सा लेना है तो गैदरिंग में हिस्सा लेते हुए हमारे घर के जो भाई रहते हैं पर डांस कॉम्पिटिशन में हम लोगों को हिस्सा नहीं लेने देते। वास्तविकता को देखिएगा कि जब हम कहते हैं कि हमें भी एक अपना परफॉर्मेंस को आगे ले जाना है या परफॉर्मेंस को करना है तो हम लोगों को परमिशन नहीं दी जाती, लेकिन दूसरी नारी जब उस परफॉर्मेंस को फील करती है, तैयार करती है, तो हमारे ही घर के जो पिता होते हैं, भाई होते हैं, वो क्या कहते हैं, वाह कितना सुंदर कर रही है। और यही कार्य जब हम लोग करते तो हम लोगों को बंधनों में डाल दिया जाता है ना। तो यहाँ इस जगह पर कृष्णा जी ने इसी प्रकार के जो नारी के बंधन थे उन नारी जीवन के बंधनों को उन्होंने व्याख्यायित कर दिया और फिर जाके उन्होंने सारे बंधनों को तोड़ दिया। मीरा नाची रे सब बंधनों को परित्याज कर मीरा नाची रे। तो कृष्णा जी ने कई नारी पात्रों के जरिए नारी स्वतंत्रता का समर्थक रूप प्राप्त किया और अपना खुद का परिचय दे दिया। पिंजरे में बंद किए हुए तोते की जिंदगी में रहकर नारी की कोई अलग स्थिति उनको दिखाई नहीं दी। मतलब जिस प्रकार से तोता एक पिंजरे में कैद होता है ना, ठीक उसी प्रकार से उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जब वह नारी अपने घर में रहती है तो उसे घर की जो चौकी है मतलब चूल्हा चौकी में ही उसे अपनी पूरी जिंदगी बिता देना है, और यह जो नारी की स्थिति है उस नारी की स्थिति बिल्कुल उस तोते के समान उसे दिखाई देती है। और इसलिए जब वो अपने लेखन में प्रसंगानुसार नारी स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन करती है तो रोहिणी जी जो है वह अपने शब्दों के जरिए उसे इस प्रकार से अभिव्यक्त करती है, अपनी आंखों से देखने का, अपनी आंखों से दुनिया देखने का उत्साह, अपने विवेक से उसे पहचानने का विश्वास। यही तो है मित्रों रत्ती महक बानो बूढ़ी अम्मो कृष्णा सोबती और आज की हमारी स्त्री। यही तो है चिंतन की वह डोर जो वहां थमी नहीं, आगे ही आगे बढ़ती गई और निखरती गई। और इसी से स्पष्ट है कि कृष्णा सोबती नारी स्वतंत्रता की एक बड़ी समर्थक रही है। मतलब उन्होंने अपनी आंखों से दुनिया देखने का जो उत्साह था। हम लोग यहाँ इस जगह पर ऊपर इस वाक्य पर यदि चर्चा करते हैं कि अपनी आंखों से दुनिया देखने का जो उत्साह होता है ना, मतलब क्या है कि हमने बताया कल के तसिका में कि यदि हम अपने सूट की बात करते हैं ना
अपने परिधान किए हुए वेशभूषा की बात करते, हमारी सहेली ने भी बताया कि यार ये सूट पर कोई जमता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, हम लोग क्या करते हैं उसे छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन हम अपनी आंखों से अपनी दुनिया को नहीं देख पाते कि क्या है, मैं कैसे दिख रही हूँ, और यदि मैं अच्छी दिख रही हूँ तो मेरा वक्तव्य भी बहुत अच्छा है, हम ठान लेते कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से वो अपनी आंखों से उस दुनिया में रंग डालना चाहती है। और आज की जो नारी है वो अपनी स्थिति के प्रति बिल्कुल सजग दिखाई देती है, अपनी सामर्थ्य को पहचानती है, अपने आप को आगे बढ़ रही है, जैसे देख रहे हैं ना हम लोग भी कि हम केवल अपनी दुनिया में ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को हम एक प्रोटेक्शन के रूप में अपने सामर्थ्य को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आज के युग में भी यदि हम कहें, मतलब जैसे प्राचीन काल से लेकर आज तक की नारी की परंपरा को हम लोग देखें तो कोरोना महामारी के समय में भी, संघर्ष के संक्रमण काल में भी नारी ही मुझे लगता है कि सामर्थ्यशाली है मतलब अपने आप को भी संभाल रही है, अपने परिवार को भी संभाल रही है, पूरे समाज को संभाल रही है, मतलब यह तय है कि अपने सामर्थ्य की पहचान देकर वह आगे बढ़ रही है। और इसी के फलस्वरूप आज की जो नारी है अपने पुरुष को एक समान, पुरुष के समान स्वतंत्र मानने लगी और समाज में उसकी अपनी पहचान भी होने लगी। कृष्णा सोपती जी का मानना भी यही है कि व्यावहारिक जीवन में नारी आज भी पुरुष से हीन मानी जाती है। देखिएगा यहाँ इस जगह पर यदि हम कहना चाहे तो नारी जो है वह आज भी पुरुष से हीन मानी जाती है, मतलब हमारी जो जीवन शैली है पुरुष सत्तात्मक पद्धति है। तो अब तो हमें इस जगह पे मानना ही पड़ेगा कि घर के जितने भी कार्य होते हैं, बड़े जो फैसले होते हैं तो भले डिस्कशन के तौर पर हम लोगों के माध्यम से बनाए जाएं, लेकिन फैसला तय करने का जो अधिकार होता है वो अपने पापा को होता है, मतलब अपने पति को होता है। मतलब तय कि आज भी पुरुषों को अपना उच्चतम दर्जा दिया गया, जितना समान तौर पर नारी को माना जाता है फिर भी पुरुष से नारी को हीन माना गया, ऐसा कृष्णा सोपती का मानना है। आज भी प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में नारियां दहेज के लिए जलाई जाती है, घरों से निर्वासित किया जाता है। कल की तासिका में हमने आपको निर्मला का एग्जाम्पल दिया कि निर्मला की शादी तय हुई थी एक बड़े डॉक्टर के साथ, लेकिन जब डॉक्टर साहब को एहसास हो जाता है कि अब उसका पिता नहीं रहा, सुकौर पिता के न रहने के पश्चात यहाँ इस जगह पर जब पिता चला गया तो मुझे दहेज नहीं मिलेगा, फिर निर्मला की शादी वहां पर टूट जाती है। उस युग को देखिएगा, आज भी इस प्रकार से हम देखना चाहेंगे समाज में कि कई प्रकार की नारियां दहेज से जलाई जाती हैं, घरों से निर्वासित किया जाता है, पुरुष की कामुकता पूर्ति का साधन बनाई जाती है। हम लोग देख रहे हैं निर्भया के कांड को देखिएगा, मतलब हम लोगों को दूर नहीं जाना है कि पुरुष की कामुकता किस ओर बढ़ती चली जा रही है। हम यू कहेंगे कि आज के संक्रमण काल में जब हम लोग अपने आप को बड़े सुरक्षित तौर पर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इन पुरुषों की कामुकता का शिकार होना ही पड़ता है। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि आज भी हमारी जो नारी है अनेक प्रकारों के संघर्षों के साथ अपना जीवन व्यवहार करती है। आम नारी के विषम जीवन को जटिलतर बनाए हुए अनेकानेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, आज भी नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास को अवरुद्ध कर देती है। आज भी समाज में नारी को द्वितीय श्रेणी से ही माना जाता है। शारीरिक दृष्टि से पुरुष और नारी में थोड़ी भिन्नताएं जरूर हैं और इसलिए नारी को अबला समझने के रीति रिवाज चले आ रहे हैं, और बचपन से ही उसके मन में असमानता का जो बीज बोया गया है ना, मतलब ये सारे जो चीजें हैं यह हमारे मन में बचपन से ही बोई है, कैसे कि तुम नारी हो, है ना। तो ये जो बचपन से उसके मन में असमानता के बीज बोए गए और वही कारण है
कि हम लोग प्रतिशोध लेने का साहस नहीं जुटा पाती, और एक जगह पर ये तय हो जाता है कि ये पुरुष की जगह है तो पुरुष को ही लेनी चाहिए, है ना। मतलब कई जगह ऐसी होती है कि जिस पर महिला अपनी आप को रखने का प्रयास करती है। नारी में वह कैपेबिलिटी है जो पुरुष में नहीं है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन पुरुष अपना जो अस्तित्व है, नारी अपने अस्तित्व को पाने के लिए आगे नहीं जुट पाती, यह उसे पता है, क्योंकि वो प्रतिशोध लेना नहीं चाहती, लेकिन पुरुष उस प्रतिशोध को लेना चाहता है। और इसी कारण कृष्णा जी क्या कहते हैं कि समाज में नारी की अस्मिता की जो लड़ाई की शुरुआत हुई, वह उसके आत्मबोध की स्वीकृति से ही संभव होगी। मतलब जब तक उसका आत्मबोध नहीं स्वीकार करेगा, जब तक उसकी आंतरिक चेतना जागृत नहीं होगी, और तब तक वह कार्य नहीं कर पाएगी। और इसलिए यहाँ एक जगह पर हमें कृष्णा सूक्त यह बताने के लिए बाध्य हो जाती है कि उसे स्वयं यह स्वीकार करना होगा कि मैं नारी हूँ, नारी ही नहीं मैं मनुष्य भी हूँ, और मनुष्य की तरह इस समाज में जीने का मुझे भी पूरा अधिकार है। टू बी अंडरलाइन दिस वर्ड दोस्तों, आप लोग अंडरलाइन करके रखिएगा कि यहाँ एक जगह पर कृष्णा जी जो है हमें वह अस्मिता की लड़ाई की शुरुआत करने के लिए कहती है, और वह भी आत्मबोध की स्वीकृति के लिए वह कहती है कि अपनी आंतरिक चेतना को हमें क्या करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, और उसे स्वयं ही स्वीकार करना पड़ेगा। क्या कि मैं तो नारी हूं, जरूर आप नारी हो, लेकिन नारी ही नहीं बल्कि मनुष्य है, और मनुष्यों की तरह पूरे समाज में जीने का हमें पूरा अधिकार है। और नारी स्वतंत्रता की इस खोज में लेखक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब नारी स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, तो नारी स्वतंत्रता में हम लोगों को लेखक की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान देना ही चाहिए, क्योंकि कृष्णा सूक्ति अपने स्त्री विषय अनेक अनेक प्रकार के जो लेखक, तमाम ऐसे लेखन कार्य उन्होंने किया, चूंकि वह स्त्री विषय लेखन कार्य किया, तो उन्होंने वास्तविकताओं से प्रेरित वैचारिक पृष्ठभूमि के द्वारा अपनी रचनाओं में पारिवारिक और सामाजिक जीवन में पाई जाने वाली ज्वलंत ऐसी समस्याओं पर उन्होंने लेखन कार्य किया। दोस्तों कई प्रकार के उपन्यासों का निर्माण जब हमारी कृष्णा जी करती है, और तब वह खुले दिल से इस प्रकार के वक्तव्य को अपनाने का सफल प्रयास करती है। अब देखिएगा यहाँ इस जगह पर स्त्री स्वतंत्र के विचारों को उन्होंने किस प्रकार अपनाया, उसे हम लोगों ने बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जिस प्रकार से उन्हें खाने पीने की बात उनकी सोचे, तो उन्हें कौन कौन सी चीजें खाने में पसंद है, कौन सी वेशभूषा उन्हें पसंद है, तो आज हम लोग चलते हैं कि वह क्या उसके शौकीन रही। तो देखिएगा कि वो खुले माहौल में किस प्रकार से घूमती है। खुले माहौल में घूमना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मतलब कृष्णा जी को प्रकृति के खुले माहौल में घूमना बहुत अच्छा लगता है। उनका घुमक्कड़ स्वभाव जो है, उनकी घुमक्कड़ घुमक्कड़ यानी क्या कि यहाँ से वहां से घूमने की जो उनकी प्रवृत्ति है, तो उनके साहित्य लेखन में खेत आते हैं, खलियान आते हैं, पेड़ पौधे, नदियां, मतलब प्रकृति का जो धरोहर है, पूरे प्रकृति का धरोहर वह उन्होंने अपने उपन्यासों में डाल दिया। उनकी कृति है जिंदगी नामा, तो जिंदगी नामा में उन्होंने बहुत सुंदर सा उदाहरण दिए। और वैसे तो भोपाल कृष्णा सोक्ती को हमेशा आकर्षित किया हुआ है। यदि हम लोग एमपी में चले जाते हैं, तो एमपी में कई ऐसी जगह है ना, तो पहाड़ी प्रदेश है, नगर है, महानगर है, और देश भर की यात्राओं में उनको बड़ा मजा है, खास तौर पर भोपाल में। तो घूमना उनको यह इसलिए भी अच्छा लगता है कि वह आनंदमयी फील करती है, और खुले माहौल में घूमते रहना यानी उनके जीवन में अत्यंत आनंद के क्षणों को फील करना उन्हें ऐसा लगता है। तो इस प्रकार से हमने उनको देखा। अब देखते हैं कि उनका अपनी भाषा पर गहरा प्रभुत्व कैसे रहा। दोस्तों हर कोई जो व्यक्ति होता है अपनी भाषा शैली की अपनी पहचान होती है। जैसे देखिएगा कि हर एक व्यक्ति की अपनी खासियत होती है, वो अपने स्टाइल से बोलता है ना, अपनी भाषा पर उनका गहरा प्रभुत्व कैसे होता है। तो यहाँ इस जगह पर देखिएगा कि जो हमारे कृष्णा जी हैं, उनकी ग्रंथ निर्मिति के लिए भाषा बड़ी महत्वपूर्ण चीज रही। और यदि हम कहते हैं कि कोई भी जो साहित्य होता है, कोई भी साहित्यकार होता है, तो किसी
किसी भी युग का हो, किसी भी भाषा का हो, तो एक दो लेखक ऐसे होते ही है जिनकी रचना में, उनकी रचनाओं में साहित्य और समाज की घटनाओं को प्रकट किया जाता है। यदि हम लोग बात करते हैं अपने 3-4 दशकों से, तो हिंदी साहित्य के नाम में कृष्णा सोबती सहजी याद की जाती है, बिल्कुल सहजता से उनको याद किया जाता है। किसी भी रचना की प्रामाणिकता केवल लेखक के जीवन दृष्टि से ही जुड़ी बांधी हुई नहीं होती, बल्कि उसकी रचनात्मक उड़ान का सामर्थ्य, पात्रों की मांस मज्जा मिजाज से, उनके स्वभाव से, उनकी मजबूती से छिपा रहता है। जिंदगी नामा जैसी कृति के असंख्य ऐसे पात्र हैं, तमाम ऐसे पात्र हैं, तमाम ऐसी स्थितियां हैं जो परिवेश के सूक्ष्म वैचित्र्य की तत्वों की बात के गवाह दे देती है, साक्ष्य दे देती है, और उनका यही यथार्थ यथास्थिति का अनुवाय मात्र नहीं है। कृष्णा सोबती अपने असंख्य पात्रों को ठोस और विश्वसनीय भाषा देती है। कृष्णा सोबती का भाषा सामर्थ्य हिंदी में लगभग अनूठा है, क्योंकि हिंदी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी जुबानों का रस नितांत निजी आवाजों में अगर किसी हिंदी रचनाकार ने निचोड़ा तो वह है कृष्णा सोबती। मतलब यदि हम लोग अपने बात करते जिंदगी नामा की या बात करते समय सरगम की, तो तय है दोस्तों कि वहां उस जगह पर हमें हिंदी पंजाबी के साथ मिलेगी, हिंदी उर्दू के साथ मिलेगी, हिंदी संस्कृत के साथ मिलेगी, हिंदी और अंग्रेजी, इन सभी का रस जो है, इन सभी का निचोड़ जो है, हमें उनके साहित्य में प्राप्त होगा। भाषा की संपदा यदि मुहावरेदानी या अर्थपूर्ण छटाओं को समृद्ध करने में कृष्णा सोबती लगभग बेजोड़ रही, तो जीवन और भाषा दोनों के प्रति कृष्णा सोबती का जो प्रोद्दायित्वशील रवैया है, उन्हें मानव प्रकृति में अनेक दुस्तर प्रदेशों में ले जाने के लिए विवश कर देता है। कृष्णा सोबती भाषा का लोक जीवंतता का प्रतीक मानती है। अब देखिएगा कि भाषा जो है वह लोक जीवंतता का प्रतीक कैसे होगा, तो भाषा में निहित है प्रकृति और समस्त संसार का संवेदन। ऐसे कुछ भी नहीं है जिसे शब्द व्यक्त न कर पाए, वे अपने होने का अधिकार से अपने चाल को विराम दे, तेज रफ्तार को थाम ले, अपने प्रवाह को बांध ले और चीर दे उन प्रवाह को, जीवन और मरण को शब्दों की सत्ता से माप ले। और इस प्रकार कृष्णा जी शब्दों और अर्थ की सोबत से भाषा पर प्रभुत्व जमा पाए। देखिएगा, हम उनके हर एक व्यक्तित्व के पहलू को उजागर करने का प्रयास करें दोस्तों, जन्म के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी वेशभूषा के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उनके खान पान के बारे में, फिर उन्होंने कार्य किस जगह पर किया उनके बारे में, उनकी शौकीन कहाँ पर रही उनके बारे में, उनके साहित्य सृजन किस प्रकार करा उनके बारे में, उनकी भाषा के संदर्भ में लगभग हमारे 10 पॉइंट्स को हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं। हम ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या आपको यहां तक जो बातें बताई, क्या यह आप लोग समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है सभी को? सभी की आवाज सुनना चाहेंगे? कविता है, जुड़ पाई है, फिर पूजा जुड़ी है, प्रियंका जुड़ी है, तो आप सभी लोगों को तो क्लियर हो रहा है, किसी को कोई आशंका नहीं है? बड़े आगे कोई छोटे बच्चे की आवाज आई? नहीं मैम, कोई जुड़ गया है क्या? छोटा बच्चा भी? किसी के साथ छोटा बच्चा जुड़ गया है? चलो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में तो आ रहा है आपको? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। अब देखिएगा कि कृष्णा सोबती ने अपने सृजनता को, अपने का साहित्य जीवन को किस प्रकार से, किन भाव के साथ, किन विचारों के साथ आगे लेकर गई, है ना? मतलब जो उन्होंने सृजन का आत्मविश्लेषण किया, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें कृष्णा सोबती को समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, है ना? अभी भी हमने समय सरगम को छुआ नहीं है दोस्तों, हमने हमारे उपन्यास को देखा नहीं है,
हो सकता है कि कल की तहसीका में हम लोग कृष्णा सोक्ति को छोड़ दे और समय सरगम को अपना ले। लेकिन सबसे पहले तो हमें कृष्णा सोक्ति को समझना होगा कि समय सरगम उन्होंने कब लिखा, क्यों लिखा और उसका कारण क्या था। तो उनका सृजन की जो आत्म विश्लेषणात्मक प्रेरणा है, जो उन्हीं के शब्दों में है, उसे हम आपके सम्मुख रखेंगे कि कृष्णा सोक्ति साहित्य को जीवन का प्रतिबिंब मानती है और जीवन के यथार्थ को गहराई से पहचानती है। और जीवन की गहराई से जब हम लोग अच्छे से पहचानते हैं तो उसकी संवेदना को कलात्मक रूप प्रदान करने में जो लेखक माहिर रहता है और हिंदी साहित्य जगत में अपनी अलग पहचान बना पाते हैं, तो वह अलग पहचान बनाई स्वयं अपनी कृष्णा सोक्ति ने। और कैसे? तो अपने भावों के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने जीवन मूल्यों के साथ, अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर साहित्य में काफी आलोचनाओं का भी सामना उन्होंने किया। अब देखिएगा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि एक वाक्य हमने आपके सम्मुख रखा कि अपने भाव को, अपने विचारों को, अपने जीवन मूल्यों को, अपने दृष्टिकोण को बेहिचक प्रस्तुत कर दिया, कहाँ पर? साहित्य में। और जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, अपने जीवन मूल्यों को अभिव्यक्त करता है, अपने दृष्टिकोणों को बेहिचक रूप में अपनाता है, तो समाज उसे आत्मसात नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। देखिएगा, समाज उसे क्यों नहीं आत्मसात करेगा? क्योंकि हम यदि अपनी बातों को रखते हैं तो कई बार हमें अपना परिवार ही उसे स्वीकार नहीं कर पाता। बात चलती है मणिकर्णिका की, तो मणिकर्णिका की पति की मृत्यु के पश्चात, राजा के पति के पश्चात ही जब उनको नहलवा दिया जाता है और उनके बालों को कट करने के लिए किसी नाई को बुलाया जाता है, तब वो कहते हैं कि नहीं चाहिए मुझे ये सारी चीजें। और वह जो आवाज है, वह आवाज उस समय की मणिकर्णिका की थी। आज हम लोग उसे आत्मसात कर सकते हैं, आज हम मना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग विचारों के साथ, जीवन मूल्यों के साथ, अपने दृष्टिकोणों को बेहिचक रूप के साथ प्रस्तुत करने के लिए माहिर हो जाते हैं। लेकिन जब हम इस प्रकार का कार्य करते हैं दोस्तों, तो हमें कई प्रकार के आलोचनों का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार के आलोचक हमारे जीवन में आ जाते हैं, कई प्रकार की आलोचनाओं को हम लोगों को सहना पड़ता है, फिर परिवार की हो, फिर समाज की हो, चाहे किसी और की। तो जब बात हम करते हैं कि काफी आलोचनाओं का उन्हें सामना करना पड़ा, तो उन्होंने स्त्री से जुड़ी अनगिनत ऐसे सवालों को अपने कथा साहित्य में उठाया। मतलब स्त्री की अस्मिता और मुक्ति का सवाल उनकी मुख्य रचनात्मक चिंता रही। अब आपको पता चल गया कि हमारा जो समय सरगम उपन्यास है, समय सरगम इस उपन्यास में नारी को ही प्रस्तुत किया गया है, स्त्री की संवेदनाओं को ही प्रस्तुत किया गया है। स्त्री की संवेदना या स्त्री को अलग परिस्थितियों में जो रखा जाता है, उसके स्वाभाविक चित्रण को उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अब स्त्री पर भी तो लिखने वाला कोई ना कोई चाहिए, और स्त्री को एक स्त्री ही बहुत अच्छी तरीके से समझा। हाँ, वो बात अलग है कि नारी नारी की समस्या है, और इसीलिए तो सास भी कभी बहू थी, इस प्रकार के सीरियल का बर्ताव हो रहा है, इस प्रकार के सीरियल धारावाहिकों का निर्माण हो नहीं जाता है। तो यहाँ इस जगह पर जो अलग अलग परिस्थितियों का सामना हम लोगों को करना है, तो जीवन के सतत तले कुछ ऐसा होता है जिसे आंख देख नहीं सकते, डुबकी मार कर गहराई में जाकर कुछ मूल्यवानों को हमें समेटना पड़ता है, जिसे सत्य कहा जाता है। और समाज का सत्य, जो व्यक्ति सत्यान्वेषी होता है, वह समाज के उस सत्य को ढूंढता है, परखता है, और परखने के पश्चात उसे साहित्य में निश्रुत कर देता है। जिस प्रकार से हमारी ये जो कृष्णा सोक्ति है, वह कृष्णा सोक्ति ने बहुत ही कम ऐसा साहित्य लेखन किया, बहुत कम साहित्य लेखन किया, और उन साहित्य निर्माण के पीछे केवल और केवल एक ही तत्व जुड़ा था, और वह तत्व था उनकी नारी की संवेदना। तय हो गया। आपके सामने समय सरगम की नायिका को यदि हम आपके सम्मुख रखे, तो निश्चित ही तौर पर वहां की समय सरगम की जो नायिका होगी वह स्त्री संवेदना को लेकर ही आएगी। एक बात तय हो गई। अब हम लोग उनके कृतित्व की ओर चलते हैं। अब तक हमने उनके व्यक्तित्व पर बात की दोस्तों, कि उनका व्यक्तित्व कैसे रहा, उनके व्यक्तित्व की खासियत क्या रही, वह खान पीन कैसे करती रही, कौन सी चीजें उनको अच्छी लगी, कौन सी वेशभूषा उनको अच्छी लगी। अब हम लोग आपको उनके कृतित्व के बारे में बताएंगे कि
उनके कृतित्व की जो शुरुआत हुई वह शुरुआत उन्होंने कहाँ से की। तो और उनके उनका जो कृतित्व है मतलब उनकी जो रचना संसार है वह भी हमने आपको बताया कि किस प्रकार से वो लिखने के लिए बाध्य हो गए। तो एक प्रकार से यदि हम कहें कि एक खास तौर पर एक नए किस्म के त्योहारों में गड़ा हुआ कृष्ण जी का एक साहित्य संसार जो है वह साहित्य संसार बहुत ही नए तरीके का है, नए किस्म का है ना। तो उनका साहित्य संसार जो है वो जैसे उपन्यासों की बात करते हैं तो सबसे पहला उपन्यास उन्होंने लिखा डार से बिछुड़ी, है ना। तो डार से बिछड़ी ये जो उपन्यास लिखा उन्होंने तो 1958 में उन्होंने ये उपन्यास लिखा। दूसरा उपन्यास उन्होंने लिखा मित्रों मर जाने, 1964 में लिखा गया यह उपन्यास। फिर तीसरा उपन्यास जो लिखा गया वह है यारों के यार, 1968 में लिखा गया। तीन पहाड़ यह उपन्यास भी उन्होंने 1968 में लिखा। सूरजमुखी अंधेरे के, मतलब जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से लिखती आ रही हमारी कृष्णा सोपती न जाने कितनी पीढ़ियों को देख रही है, न जाने कितने संघर्षों को देख रही है, न जाने किस प्रकार की स्त्री की संवेदनाओं को देख रही है। और फिर वह अपने साहित्य का निर्माण करती चली जा रही है। जिंदगी नामा की बात करते हैं हम लोग तो 1971 में उन्होंने जिंदगी नामा लिखा। ए लड़की की यदि बात करते हैं तो 1999 में उन्होंने ए लड़की उपन्यास लिखा। दिलो दानिश की यदि बात करते हैं तो 1993 में उन्होंने अपना यह उपन्यास लिखा बात चल रही समय सरगम की। दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों, समय सरगम इस उपन्यास का निर्माण उन्होंने 2000 में किया। आपको एक उत्तरीय प्रश्न मंजूषा में प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि समय सरगम यह उपन्यास कब लिखा गया। तो समय सरगम 2000 के अंत में और 2001 के शुरुआत में लिखा गया। तो यदि हम उपन्यासों की चर्चा अब तक कर चुके हैं तो अब हम लोग उन्होंने कई कहानियां भी लिखी तो अब हम लोग उनकी कहानियों की बात करते हैं। यदि उनकी कहानियों का यदि चर्चा चलती है तो कृष्णा सोबती ने अपने कथा साहित्य में एक नए विचार को प्रस्तुत किया। कथा सृजन में उन्हें न केवल ख्याति मिली बल्कि सृजन की संतुष्टि का भी सुख मिला। अब इस सृजन की संतुष्टि कैसे होती है कि कई बार हम लोग अपने लेखन शैली को आत्मसात करते हैं, है ना, अपने लेखन सृजन को कार्य करते, लेकिन यह जो सृजन कार्य होता है हमारा बस लिख देते हैं, है ना। लेकिन लिखने के लिए न लिखते हुए यदि हम उस लेखन के पीछे कोई ना कोई परामर्श करते हैं, है ना, कोई ना कोई प्रयोजन करते हैं, कोई ना कोई उद्देश्य हम लोगों का होता है तो हम लोगों को अंदर से भी संतुष्टि मिलती है कि चलो यार मैंने बहुत अच्छा कार्य किया। तो इस प्रकार का सृजन संतुष्टि का जो सुख उन्हें मिला वह मिला उनकी जो लगभग 24 कहानियां हम लोगों को प्राप्त हुई जो बादलों को घेरे, बादलों के घेरे जो है इसमें उनकी 24 कहानियां संकलित की हुई प्राप्त हो जाती हैं। मतलब तय है कि 1952 से लेकर 1955 तक उन्होंने अपनी अधिकतर जो कहानियां लिखी, 1944 से लेकर 1959 तक भी उन्होंने 15 वर्ष की कालावधि में भी उन्होंने कई कहानियों को लिखा। और कहानी संग्रह उनके कौन कौन से हैं तो फिर गुलाब जल गड्डेरिया है, भोले बादशाह है, टीलो ही टीलो है, और दादी अम्मा है, और फिर बादलों के घेरे है। तो बादलों के घेरे कहानियों को राजकमल प्रकाशन ने 2007 में प्रकाशित कर दिया। उनकी कहानियों को यदि हम लोग देखते हैं तो 5 विभागों में विभाजित हम उसे कर सकते हैं। तो यदि हम 5 विभागों में विभाजित करने की शैली उनकी कौन कौन सी थी, तो जैसे देश विभाजन से जुड़ी कहानियां हैं, ग्रामीण जीवन से संबंधित उनकी कहानियां हैं, और फिर उसके बाद में उनके प्रेम और स्त्री पुरुष संबंध से जुड़ी कहानियां हैं, बाल मानसिकता से जुड़ी कहानियां हैं, और वेश्या के जीवन से जुड़ी कहानियां हैं। मतलब 5 कहानियों के दस्तावेज जो हम लोग उन आपके सामने रखते हैं। इस प्रकार से उन्होंने उपन्यासों को लिखा, इस प्रकार से उन्होंने कहानियों को लिखा। अब बात चलती कविताओं की, मतलब एक भी चीज उनसे अछूती नहीं रही, एक भी दौर उनका, एक भी विधा उनसे अछूती नहीं रही। उपन्यास को जान लिया, कहानियों को जान लिया, अब चलते हम कविताओं को। तो कृष्णा जी ने अपने साहित्य लेखन में बहुत कम लिखी लेकिन लिखे जरूर। तो उनका जो अभिरुचि का मूल साधन है वो उपन्यास ज्यादा है।
और उपन्यासों की संख्या उनकी ज्यादा है। उनके द्वारा लिखी गई जो कविता है सोबती एक सोहबत, हमने आपको इसके पूर्व भी उनकी सोबती एक सोहबत में जो चर्चा की थी वो भी हमने आपको बताया था, उनका वक्तव्य सोबती एक सोहबत में क्या था वो भी बताया था। तो उनमें जो प्रकाशित किया हुआ है तो वो प्यारे खास और गल बहियों से उभरते हुए, तो ये दो जो काव्य संग्रह जो प्रकाशित हुए प्यारे खास है ना, एक संग्रह आपके सम्मुख रखा प्यारे खास और दूसरा गलबायो से उमड़ती हुई, तो यह दो उनकी कविताओं का संसार है, कविताएं उन्होंने इस प्रकार से लिखी। अब देखिएगा कि संस्मरण, तो संस्मरण यानी क्या, तो काव्य शास्त्र में जब आप लोग पढ़ोगे कि गद्य की विधाएं कौन सी होती है, तो गद्य की विधा में ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिल जाएगी कि कहानी क्या होती है, उपन्यास क्या होता है, नाटक क्या होता है, संस्मरण विधा क्या होती है। तो संस्मरण विधा एक ऐसी विधा है दोस्तों कि जो हम लोग उसे याद करते, बीते हुए पलों को स्मरित करते हैं। संस्मरण यानी क्या है कि आपका बीता हुआ कल है ना, जैसे आप लोग FY में थे तो आपका वो बीता हुआ पल था, और बीता हुआ पल क्या कहता था कि आपके सर आते थे क्लासरूम में आपको पढ़ाते थे और वो बहुत सुंदर लगता था। आज पता नहीं ये मैडम कहाँ से आ गई और किस प्रकार से लेक्चर में घर पर ही बैठकर पढ़ा रही है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, कल की तासिका को, कल के बीते हुए पलों को यदि याद करें तो ये आपका संस्मरण होगा। आप यदि आपके बचपन को याद कर रहे हैं तो ये आपका संस्मरण होगा। ठीक उसी प्रकार बस अपने बीते हुए पलों को याद करके लिखना आज के तौर पर और वह लोगों के सामने प्रस्तुत करना संस्मरण कहलाता है। तो कृष्णा सोबती ने अपने साहित्यिक जीवन में उपन्यास, कहानियां, कविता लिखी, और इन साहित्यिक विधाओं की तुलना में उनके संस्मरणों की यदि संख्या होती है तो वह केवल दो है, हम हशवंत भाग एक और हम हशवंत भाग दो। तो कृष्णा सोबती का जो दृष्टिकोण रखा, तो कृष्णा सोबती का अपना दृष्टिकोण केवल मानवतावादी रखा है ना, तो इसलिए उनका जो व्यक्तित्व है हम लोगों के लिए इतना प्रेरणादायी बन गया कि नारी होते हुए भी अपने लेखन के जरिए उन्होंने पूरे पुरुष समाज को चुनौती दी है ना। मतलब आज यदि हम कहें कि हम यदि पूरे पूरे पुरुष समाज को टटोले या पुरुष समाज को चुनौती दें तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि पुरुष सत्तात्मक, माफ कीजिएगा थोड़ा क्लियर बोलते हैं बट ये वास्तविक है कि पुरुष सत्तात्मक पद्धति को यदि हम लोग अपनाते हैं तो आज भी घर के बड़े फैसले लेने के लिए हम अपने पति का निर्णय या अपने ससुर के निर्णय पर ही पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं है ना। लेकिन मणिकर्णिका की बात करते हैं या हम कृष्णा सोबती की बात करते तो उन्होंने क्या किया, उस पुरुष समाज को ही चुनौती दे दी जहां पर उन्हें इस प्रकार से कि नहीं तुम ये कार्य नहीं कर सकती मनु, लेकिन मनु को उस समय में तो रोकने वाली कई प्रकार की ऐसी चुनौतियां थी, लेकिन मनु ने क्या किया, उन चुनौती का सामना किया। ठीक उसी प्रकार आज यहाँ इस जगह पर हमारे जो कृष्णा जी है वह कृष्णा जी पुरुष समाज को चुनौती दे रही है अपने साहित्य का निर्माण कर, और इसी कारण अनेक महिला लेखिकाओं में वह बोल्ड लेखिका के नाम से पहचानी जाती है कि किस प्रकार से उन्होंने चैलेंज किया है ना। हो सकता है कि जब हम समय सरगम इस उपन्यास के अनुशीलन को आपके सामने रखें तो एक कृष्णा सोबती का भोगे हुए जीवन का यथार्थ चित्रण जो है वह हम आपके सामने प्रस्तुत कर दें। हो सकता है कि जो कृष्णा सोबती ने अपने समय सरगम में आपको बता दिया कि वो संयुक्त परिवार की बिल्कुल मतलब नहीं, ये सारी जो चीजें परिवार की उपेक्षा करती रही, उन्हें अच्छा नहीं लगा था, तो वह उदासीनता को समय सरगम में उन्होंने किस प्रकार से अंतर्निहित कर दिया। हम यूं कहें कि आज के बदलते हुए भारतीय परिदृश्य में यह उपन्यास जो है यह व्यक्ति की विश्वव्यापी स्वाधीनता के रूप में या वैचारिक विस्तार के रूप में अपने सामने आ गया। तो ये सारी जो चीजें हैं यह उपन्यास समय सरगम में भी हमें आधारित प्राप्त होती है कि किस प्रकार से ये हमारी कृष्णा सोबती उनका व्यक्तित्व उनका कृतित्व किस प्रकार से रहा। तो व्यक्तित्व के साथ यदि हम लोग डिस्कशन करते दोस्तों, तो व्यक्तित्व उनका साथ, उनका जन्म, बचपन,
उनका खान पान, उनकी शिक्षा, उनके माता पिता, पारिवारिक परिवर्जनों के साथ वो किस प्रकार से रही, देश के विभाजन के समय में उन्होंने किस प्रकार का कार्य किया, और फिर साथ में उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी को उन्होंने किस प्रकार से धोया, उनका स्वतंत्र विचारों की विचारधारा कैसे रही, उनकी वेशभूषा कैसे रही, तो इस प्रकार के तमाम ऐसे पॉइंट्स को हमने उठाया, और साथ ही में हम उनके लेखन कार्य की प्रेरणा उनको कैसे मिली और उनकी लेखन शैली कैसे थी, उनकी भाषा शैली का अधिकार कैसे था, उनके लेखन शैली में क्या किसी जगह पर जिस प्रकार से हम कहते हैं कि किसी पर महात्मा गांधी जी का प्रभाव रहता है, किसी पर मार्क्सवाद का प्रभाव होता है, तो यहाँ इस जगह पर हमारे कृष्णा सोबती पर मानवतावाद का गहरा असर हुआ, और स्वतंत्र विचारों के साथ अपनाने वाली, स्वतंत्र विचारों के साथ जुड़ने वाली हमारी यह जो कृष्णा सोबती है, उनके व्यक्तित्व को पहचान लिया, उनके कृतित्व को पहचान लिया। दोस्तों, अब हम लोग समय सरगम इस उपन्यास की कथा वस्तु को कल की तासिका में आपके सम्मुख रखेंगे कि किस प्रकार से यह जो पुरानी और नई सदी को समेटती हुई एक नए पड़ाव पर लेकर जाने वाली एक रचना है जिसका नाम है समय और सरगम। तो दोस्तों, हमारी तासिका हम इसी जगह पर, क्योंकि समय की सीमाओं को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, हमारे उपन्यास का नाम है समय सरगम और यहाँ पर हमारा समय ही समाप्त तो हो चुका है, तो हम लोग मिलेंगे दोस्तों कल की तासिका में। धन्यवाद।